स्वागत है गाइस, आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूँ काश सिंह और अभी हम लोग बात करने वाले हैं नए इवेंट पोकीमॉन एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, तो गाइस कुछ नए पोकीमॉन एक्सचेंज किए गए और देखते हैं भाई क्या है। मतलब लिटरली कोई अच्छा पोकीमॉन है या नहीं, ग्राउडॉन डियोल्गा या फिर डिओक्सिस या फिर डार्करा है या नहीं। एक डार्करा तो देखने को मिलेगा पॉइजन वाला, बाकी दूसरा मेरे को देखना चाहता हूँ कि कोई दूसरा डार्करा दिया भी गया है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लेजिकन ड्रैगन, ब्लेजिकन एक्सपेक्टेड था, ये विजडम एलोटिक। अगर यहाँ पर कोई दूसरा मेलोटिक होता तो ज़्यादा अच्छा होता। और ये हमारा स्काई सीजॉर, इतना खास नहीं है, सिंपल सीजॉर जैसा ही है, पर ये ब्लेजिकन अच्छा है। अगर आप लेना चाहते हो तो ब्लेजिकन को मैं कहूँगा ले लेना, और बाकी इनमें से कोई लेने की जरूरत है नहीं। अदर ब्लेजिकन बाकी सारे के सारे बेकार ही हैं। तो यहाँ पर गाइज हमें देखने को मिल चुका है नया डार्करा, तो ये एक अच्छी बात है। मतलब लिटरली बहुत पॉइजन सूट को चाहिए था, और यहाँ के मतलब इस इवेंट के बाद मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है यह पॉइजन जिम में भी आएगा। ठीक है, बहुत सारे वीआईपीज होंगे जिसे लेके ट्राई करेंगे। और यहाँ पर वोल्कन ज़ोरोआर्क दिया गया है, तो ये भी अच्छा पोकेमॉन है गाइस। लिटरली इसका जो जी मूव है वो तगड़ा होता है, और आर टू मूव भी तगड़ा होता है, सिंपल वाले का। फोर कोट एबिलिटी भी होता है इसके पास, तो आप इसे आराम से अपने टीम में रख सकते हो, कहीं से भी आराम से एडजस्ट हो जाता है। पर स्पेशल अटैक टाइप है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए रखना फायर सूट वालों या फिर डार्क सूट वालों। यहाँ पर हमें स्काई टर्नटोर दिया गया, जो एक और अच्छा पोकेमॉन है कंपेयर टू बाकी टर्नटोर, जिसके वीकनेसेस थोड़े कम है। ठीक है, पर फाइटिंग के अगेंस्ट तो ये अभी भी चार गुना ज़्यादा कमज़ोर है, पर फिर भी पोकेमॉन थोड़ा सा अच्छा है। सेलेबी दिया गया, जो एक मेगा चाहिए होता है फाइटर्स में, तो जिन जिन लोगों के पास मेगा सेलेबी नहीं है वो जल्दी बना लें। और उसके बाद यहाँ पर दिया गया कायोगर और पालकिया, ये दोनों अच्छे पोकेमॉन्स हैं। मैं जितने भी न्यू प्लेयर्स हैं उनको यही कहूँगा भाई, अगर आप डार्क या फिर ड्रैगन सूट यूज़र हो तो पालकिया ले लेना, और अगर कोई भी सूट अभी तक आपने चूज़ किया नहीं है तो मैं कहूँगा कायोगर ले लो मेगा, और कोशिश करो इसे जल्दी से आर टू बना देने की, क्योंकि ये आर टू फाइटर्स में होता है और सबसे ज़रूरी फाइटर जो होता है अटैक फाइटर्स उसमें होता है, और ये लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नया म्यू दिया गया, जो लुक्स में हिसाब से थोड़ा क्यूट है, पर इतना भी खास पोकेमॉन नहीं है। वोल्कन हुपा भी कुछ खास नहीं है, सिंपल हुपा दे देते तो चलो अच्छी बात होती, पर ये हुपा कुछ काम का है नहीं, और ना ही ये पोकेमॉन। हालांकि इसके पास एक आर टू मूव है, पर फिर भी मैं कहूँगा इसको ना ही लो तो अच्छा। मतलब लिटरली कौन चाहेगा ऐसे पोकेमॉन के लेना जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो आर टू बनाने में और थोड़ा कीमती भी हो। अभी मैं बात बताता हूँ गाइस, अगर आप लोगों को इनमें से कोई पोकेमॉन अच्छा नहीं लगा तो सेव कर लो TDS जो होता है ट्रेजर डिटेक्टर इवेंट। ये बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता ही होता है। मतलब आपको आगे चल के भी अच्छे अपने मनपसंद के पोकेमॉन मिलेंगे। तो मेरी नज़र यहाँ पर इस कायोग्रे पे है, मैं अपने VIP 0 से एक भी पोकेमॉन यहाँ पर नहीं लूँगा, जो है मैं उसको सेव करूँगा ताकि हम लोग डार्करा ले पाए या फिर गारचोंप ले पाए, यही दो मेरे टारगेट में। कायोगर अभी मेरे टारगेट में नहीं है, पर मेरे VIP वाले में मेरे को कायोगर चाहिए होगा। ठीक है, वो मैं कैसे भी लेना चाहूँगा कायोगर एक लेके उसे मेगा वीकन, मतलब मेरे पास इतने हैं कि मेगा वीकन 2 तक ले जा सकूँ, यहाँ से 3 हो जाएगा, और कोशिश करूँगा यहीं से मैं 4 तक पहुँचा दूँ, और सिर्फ 2 मेगा चाहिए होंगे जिसका R2 हो जाएगा, और मेरा अटैक फैक्टर जो होता है मैक्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारी टीम एक ऑलरेडी ग्राउडॉन है तो वो फैक्टर्स वहाँ से मेकअप भी हो जाएगा। सिर्फ 2 पोकेमॉन को मेरे ऊपर काम करना पड़ेगा, एक होगा रिक्वाजा और एक होगा कायोगर, तो ये एक अच्छी बात होगी मेरे लिए। पर जितने भी पॉइजन सूट यूज़र है मैं बताऊंगा, आप लोग डार्कर ले लो। ठीक है, कोई यहाँ पर एक बुरी चीज़ आपको ये देखने को मिलेगी, इसका अर्नर एबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ी सी नाइंसाफी की गई, ये सारे डार्कर के साथ की जाती है, अदर देन एक्स के साथ, वो थोड़ा ज़्यादा स्पेशल है। उसके पास एक लौता मतलब डार्कर है जिसका अर्नर है, और वो थोड़ा सा बेहतर भी है। जितने भी डार्कर हैं सबसे बेहतर एक्स ही है, लुक्स में और स्टाइल में या फिर कॉम्पिटेटिवनेस में या फिर यूज़ में डार्करा एक्स सबसे बेहतर है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं VIP वाले में कैसे लेने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर कायोगर जितने ज़्यादा होंगे मैं वो ले लूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पर अटैक पैटर्न मैक्स करना है। ठीक है, मेरे पास एक्चुअली मेरे को और भी चाहिए थे, मेरे को 300 रखने हैं सेव करने ताकि मैं डिओक्सिस लूँ, पर क्योंकि डिओक्सिस से ज़्यादा ज़रूरी अटैक है, और डिओक्सिस चलो वो SR मेगा मतलब SR पोकेमॉन है तो वो शॉर्ट्स वगैरह या फिर इवेंट या फिर स्टोर से मिल ही जाएगा बाद में, कायोगर थोड़ा रेयर है। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पर लपेट ले रहा हूँ जितने ज़्यादा ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ। ठीक है, मेरे पास 350 ऑलमोस्ट हो जाएंगे इवेंट के बाद तक, तो मैं चाहता हूँ सारे के सारे ले लूँ। ये मैंने 4 ले लिए और ये लेता हूँ 5वां, मतलब 1 मेगा यहाँ से हो गया, और 1 मेगा मैं यहाँ से लूँगा जो यहाँ पर बड़े वाले एक्सचेंज में है, नीचे वाले में। ऊपर वाले का तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, ये वाला जो रेड वाला है मैं इससे लूँगा। ठीक है, मेरे को चाहिए होंगे तकरीबन कुछ और मतलब 220 चाहिए होंगे, जो हो जाएंगे, वक्त नहीं लगेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि संडे तक शायद हमारा हो जाए और मैं ये वाला भी ले लूँ, जिससे मेरा मेगा वीकेंड 4 हो जाएगा,
और फिर मेरे को बाकी कहीं से जुगाड़ उगाड़ करके मेरे को वीकेंड 5 और 6 करना पड़ेगा, उसके बाद आराम से हो जाएगा। अब देख सकते हो मेरे पास काफ़ी कारीगर हैं अभी, और एक एक और भी हमारे मतलब शर्ट्स में, उसमें उसकी कुछ शर्ट्स सही होंगे तो वो कलेक्ट करके मैं वहाँ पर डाल दूँगा। पर सच बताऊँ ना, कारीगर थोड़ा ज़रूरी था गाइस, इसलिए मैंने अपने सारे इवेंट आइटम्स यहाँ पर डाल दिए, मतलब इन्वेस्ट कर दिए मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को अटैक चाहिए थे यहाँ पर बहुत सारे, क्योंकि गेम में मैक्स अटैक इतना ही है, मतलब कारीगर को मैक्स कर दो उसके बाद आपका मैक्स अटैक हो जाएगा, उसके बाद कहीं से ज़्यादा अटैक लिया नहीं जा सकता। तो ये ज़रूरी था मेरे लिए, मेरे को अटैक चाहिए था क्योंकि मेरे पास एक मोबाइल है जिसको अटैक चाहिए, ग्राउडन अटैक चाहिए, स्वॉम्पवर्ड को भी थोड़ा अटैक चाहिए, टरानाटोर को तो भाई अटैक ही अटैक चाहिए, तो मैं कैसे भी अटैक लेना चाहता हूँ। इसीलिए मैक्सिमम शायद 650 या फिर 700 के आसपास देता है अटैक वाला, क्योंकि मैंने अभी चेक नहीं किया, मैं चेक करके बता दूंगा आपको कितना मैक्सिमम देता है, पर इतना ही अराउंड देता है, ठीक है। और ये इतना बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लिटरली आपको बेस में 2 पोस्टर्स लगाने पड़ेंगे उतने मैक्स वाले, ठीक है, और जीरियम्स भी 2 तक तकरीबन 2 लगाने ही पड़ेंगे, या फिर 1 लगाना पड़ेगा और 1 लेवल 4 या फिर 3 का लगाना पड़ेगा। फिर भी आपको फैटर्स में इतने ज़्यादा मिल रहे हैं तो पावर्स भी मतलब उसी लेवल के ग्रोथ होंगे आपके, मतलब ग्रो होगा, और तकरीबन मेरे सारे पोकेमॉन्स का अटैक 24 के 25 के पहुंच जाएगा, जो बहुत ही अच्छी बात है। मोबाइल का जो 27 या फिर 28 पहुंच जाएगा तो और भी ज़्यादा अच्छी बात, एक एक हिट में हम लोग काम ख़त्म करेंगे। और मेरे को अटैक चाहिए भी था लिटरली, जब से हमने थोड़ा सा स्पीड गेन किया है तब से मेरे को लग रहा है कि थोड़ा और अटैक होगा ना तो डिस्ट्रक्टिव होगा हमारा टीम, तो उसके लिए मैं कुछ भी करूँगा। ज़्यादा स्पीड मैंने नहीं रखी है, अभी भी हम लोग HP टाइप है, मतलब थोड़ा सा स्पीड हमने रखा है सेफ्टी के लिए, क्योंकि कभी कभार गेंगार की जरूरत पड़ती है, और जिस तरीके से गेंगार हमारा डार्क रे यूजर्स को ओवरटेक कर रहा है मेरे को अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमने गेंगार को स्पीड में रखा हुआ है, ठीक है। अभी बात करते हैं गाइस, अगर डियाल्गा आता तब भी मेरा एक R2 डियाल्गा कंप्लीट हो जाता, मतलब वाइल्ड में 10 है मेरे पास, यहाँ पर तकरीबन इतने हैं कि मेगा वीकेंड 2 कर दूँ, और अगर इवेंट से ले लेता तो आराम से हो ही जाता, मतलब जैसे तैसे। तो गाइस मेरे पास कुछ और भी इवेंट आइटम्स हम देख सकते हो, ये स्प्रिंग लिप्स या फिर जो भी इसका नाम है ये वाला है, और उसके साथ साथ मेरे पास काइट भी है, और वो चाइनीज़ वाला इवेंट आइटम भी है, मतलब ये तकरीबन 100 के आसपास है, अगर डिओक्सिस आता है इन तीनों में तो हम लोग वहाँ से ले लेंगे, तो यही सोचते समझते मैंने ले लिया, मतलब खाएगा और मेगा बनाने में लग चुका, मतलब R2 बनाने में लग चुका हूँ, क्योंकि ज़रूरत है मेरे को उसकी थोड़ी सी। अभी HP तो भाई धीरे धीरे हो जाएगी, मतलब मेरे पास तकरीबन 803 ऐसे पोकेमॉन शॉर्ट्स हैं जो तकरीबन शायद 800 के आसपास होंगे या फिर 400-500 के आसपास होंगे, तो वहाँ से मैं डिओक्सिस ले सकता हूँ, ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं मेरे को, तो मैं वहाँ से जैसे भी तैसे ले लूँगा। तो अगर अभी न्यू प्लेयर हो, अभी आपने गेम ज्वाइन किया और आपको नहीं समझ में आ रहा क्या लेना है, तो मैं कहूँगा आप कायोगर ले लो, ठीक है, कायोगर ले लो, ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आगे चल के आपको ज़रूरत पड़ेगा, चाहे आज ना पड़े पर कभी ना कभी पड़ेगा, और अगर आप यहाँ अभी से ही लेना शुरू कर देते हो तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और बहुत ज़्यादा अटैक आपको देगा। पर फिर भी पालकिया और कायगर यही 2 आप लेना, नहीं तो इसके अलावा आपको कोई लेने की ज़रूरत है नहीं यहाँ पर, ठीक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो चाहो तो मेगा सेलिबी भी ले सकते हो, एक सेलिबी भी ले सकते हो जिसे मेगा बनाने की कोशिश कर सकते हो, पर क्योंकि आप बिगिनर हो तो अभी आपको उस मूव पावर ऊपर मूव पावर या फिर सारी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए नॉर्मल फैटर्स पे जो ज़्यादा आपको पावर देते हैं या फिर अपने टीम कंप्लीट करने में, ठीक है। तो वहाँ के हिसाब से, टीम के हिसाब से आपको यहाँ पर पालकिया दिख रहा होगा और फैटर्स के हिसाब से आपको कायोगर दिख रहा होगा, तो इन्हीं 2 में आपको जो लेना ले लेना, पालकिया अगर आपको अच्छा लगता है तो वो ले लेना, अगर आपको कायोगर मतलब अटैक फ्यूचर के लिए चाहिए तो वो ले लेना। अभी से ही थोड़ी सी तैयारी करना शुरू कर दोगे ना तो गाइस उस वक्त आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगे जो आजकल मैं फेस कर रहा हूँ। मैंने यही सोचना कि पहले भी इवेंट में ये पोकेमॉन आया करते तो मैं लेता नहीं था, अगर मैंने उस वक्त ले लिए होते तो आज तक हमारे पास हुआ मतलब हो जाते, फिर भी कोई ना। तो यही था गाइस, मतलब कायोगर लेना है, ठीक है, मैंने ले लिया है, अगर आप लेना चाहते हो तो ले लेना, अगर कोई भी अगर हाई लेवल प्लेयर है तो मैं कहूँगा भाई कायोगर ही ले लेना, अगर आपके पास 100, 200, 300, 400 है तो, क्योंकि ये ज़रूरी है आपका अटैक जो चीज़ बूस्ट करे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरा जो है अटैक थोड़ा कम है क्योंकि हमारा रिसर्च वगैरह इतना हाई है नहीं, तो यहाँ से मैं ले लूँगा जैसे तैसे करके तो अटैक हमारा एक्चुअली मेकअप हो जाएगा, फिर 7 स्टार अगर किसी पोकेमॉन करता हूँ ना तो तगड़ा अटैक हमें मतलब बूस्ट मिलेगा, तो ये ज़रूरी था मेरे लिए। कुछ भी हो जाए यहाँ पर आप देख सकते हो, एक ऑलरेडी हमारे पास ग्राउडन है जो मैक्स है 6 स्टार तक हो चुका है, तो उसमें वहाँ पर कुछ काम करने की है ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बस कायोगर पर काम करना है, रिक्वाजा पर काम करना है, इन दोनों को बस मेरे को ऑरेंज करना है और फिर 5 स्टार करने, इतने ही काफ़ी होंगे मैक्स करने के लिए, और उसके तकरीबन 6 से 7 हमें 100 अटैक मिल जाएगा, और जो बहुत ही बड़ी होती है, मतलब इसके बाद यहाँ पर कहीं भी अटैक फाइटर्स नहीं है, तो ये अगर कंप्लीट हो गया मैक्स हो गया तो मेरा अटैक ओवरऑल कंप्लीट मैक्स हो जाएगा, जिसकी मुझे सख्त ज़रूरत है इस वक्त, ठीक है। तो यही था गाइस वीडियो,
इवेंट संडे को ख़त्म हो रहा है, उससे पहले जब जितने भी चाहो उतने कलेक्ट कर सकते हो। तो आखिरी दिन में आपको एक गार्चोम्प भी मिलेगा। और अगर आप लोग ने किसी भी दिन मिस कर दिया है, मतलब जो इवेंट गिफ्ट लेना, तो आपको गार्चोम्प नहीं मिलेगा। ये बुरी बात है मैं जानता हूँ, पर इवेंट के शुरुआत में ही मैंने बोला था आपको एक भी दिन मिस नहीं करना है। तो जिन लोगों ने मिस कर दिया है तो बुरा होगा ही उनके साथ, पर फिर भी मैं कहूँगा अभी भी जो जितने रिवॉर्ड्स बचे हैं उनको एटलीस्ट कलेक्ट कर लो, क्योंकि वो थोड़े ज़रूरी होते हैं। तो गाइज होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।